तो हेलो दोस्तों, मैं मनु स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खूनी गेमर्स में। तो यहां पे एक नया इवेंट है वो आया जिसका नाम है पावर बैलेंस। तो इसमें मतलब जो बंडल है, दोनों बंडल आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही शानदार, क्या बोलते हैं उनका लुक इतना शानदार लग रहा है पहनने में। आप कैरेक्टर है वो मतलब एकदम चेंज हो जाएगा, यानी देख सकते हो आप मैंने इसमें पहन रखा है। एक तो गाइस यहाँ पे येलो वाला है और एक यहाँ पे रेड कलर वाला। तो यहाँ पे मैं दोनों बंडल है वो आपको दिखा दूंगा। और गाइस यहाँ पे आप सिर्फ एक स्पिन में इसको कैसे निकाल सकते हो, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मैं टिप्स एंड ट्रिक दूंगा कुछ। तो ये रेड वाला बंडल है। तो टिप्स एंड ट्रिक देने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे जो भी भाई नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो ये नहीं है कि भाई मेरे को एक स्प्रे में निकल आया तो आपको भी एक स्प्रे में निकल आएगा। गाइस उसके लिए भी मतलब यहाँ पे एक शर्त है, यानी कंडीशन रखी गई है, वो आपको फॉलो करनी है। मैंने मेरे भाई की आईडी में भी गाइस ये बंडल निकालने का ट्राई किया था, बट उसके जो डायमंड थे यानी 500 डायमंड के समथिंग उसके पास डायमंड थे वो सारे उसमें वेस्ट हो गए, बट उसको ये ड्रेस है वो नहीं निकली। यानी अगर आपके बॉल्ट में 1000 डायमंड यानी 1000 डायमंड के समथिंग पड़े हैं तो ही गाइस आपको मतलब ये ड्रेस है वो परमानेंट निकलने के चांस रहते हैं। तो एक पहले इवेंट आया था जिसमें राकेट 007 वाली जो ड्रेस थी, देख सकते हो ये मेरे को भी परमानेंट निकल आई थी सिर्फ एक स्पिन में। तो एक स्पिन में आप इसको कैसे निकाल सकते हो उसके बारे में गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यार पहले तो यार वीडियो को लाइक कर दो यार, जो भी भाई चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दिया करो यार, बार बार मत कहलवाया करो। तो यहाँ पे राकेट 007 वाली जो ड्रेस थी वो भी मेरे को एक स्पिन में निकली थी। तो यहाँ पे पावर बैलेंस यानी इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई स्पिन मारते हो तो यहाँ पे एक स्पिन में ये पलड़ा है वो नीचे जाएगा। फिर यहाँ पे आपको इसको मतलब बैलेंस में लाने के लिए आपको दूसरी स्पिन यानी राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ, अगर आपने राइट साइड की तरफ नो डायमंड वेस्ट कर दिए तो गाइस आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ आना है। तो गाइस यहाँ पे इसका बैलेंस है वो मतलब सेम होना चाहिए, यानी दोनों तरफ सेम, यानी 100 ग्राम इधर तो 100 ग्राम इधर, 1 केजी उधर तो 1 केजी उधर, यानी सेम बैलेंस इसका होना चाहिए। उसके लिए आपको इसमें डायमंड वो लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप इसको एक ही मतलब स्पिन में वो कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पे इसको एक स्पिन में निकालने के लिए आपको जो इवेंट होते हैं यानी जो ये इवेंट आया इसमें जो ड्रेस है, तो यहाँ पे हर बार ये इवेंट आता है तो आपको यहाँ पे एक इवेंट है वो मिस करना पड़ेगा। यानी जैसे मान के चलो आपने ये इवेंट है वो मिस कर दिया और नेक्स्ट इवेंट आएगा गाइस वो भी मिस कर दिया, यानी आपको वो बंडल भी नहीं मिला। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला इवेंट आएगा गाइस उसमें आपके 99% चांस है वो बन जाते हैं एक या दो स्पिन में निकलने के। तो यहाँ पे आपको एक या दो इवेंट है वो मिस करने होंगे। तो अगर आपके पास ज़्यादा डायमंड है तो आप हर ड्रेस को निकाल सकते हो, बट अगर आप मेरी तरह गरीब हो तो यहाँ पे आपको एक या दो इवेंट है वो मिस करने पड़ेंगे। जैसे ही आप एक या दो इवेंट मिस करते हो तो यहाँ पे आपका जो मतलब ड्रेस है ये जो बंडल आते हैं 9 डायमंड का स्पिन मारना होता है, उसके बाद डायमंड है वो बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक या दो स्पिन में उसको निकालने के लिए आपको एक या दो इवेंट है वो मिस करने पड़ते हैं। जैसे मान के चलो मैंने जो राकेट 007 वाली ड्रेस थी उसके बाद से यहाँ पे मैंने एक भी मतलब बंडल है वो नहीं निकाला था, उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने ये वाला बंडल है वो निकाला है। तो ये वाला बंडल के निकालने के लिए मेरे को वो सिर्फ दो स्पिन लगी। ये सारा कुछ प्रोसेस है मैंने इस वीडियो में बता दिया है कि कैसे मैंने स्पिन किए, सब कुछ आप इस वीडियो में देख सकते हो, पूरा प्रोसेस आपको सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप भी मतलब ये ड्रेस है वो निकालना चाहते हो परमानेंट, अगर आपने पहले मतलब डायमंड वो वेस्ट नहीं किए तो यहाँ पर आप एक या दो स्पिन में इसको परमानेंट निकाल सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपने पहले एक या दो टॉपअप इवेंट यानी सॉरी गाइस यहाँ पे अगर आपने एक या दो इवेंट होगा यहाँ पे आप पहले ड्रेस को देख सकते हो, मतलब इसका लुक है वो एकदम शानदार और एकदम भाड़ू है, बोलते हैं ना झक्कास वाला लग रहा है। तो यहाँ पे आप अगर सब कुछ मतलब अगर आपने नहीं किया है, अगर पहले कभी ट्राई नहीं किया तो यहाँ पे आप इसको मतलब आपके जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको पूरा दिखा दूंगा कि कैसे मैंने स्पिन किए हैं। तो आज मतलब आपको कुछ गन की क्रेट है वो मिल रही है, M60 की गन की क्रेट है। अगर आप एक मैच भुजिया कराते हो तो यहाँ पे एक मिलेगी, दो मैच भुजिया तीन मैच भुजिया कराते हो तो तीन टाइम्स यहाँ पे लेकर तीन टाइम्स क्लासिक में भुजिया कराना है बस आपको, ठीक है। तो आपको आपको गन की क्रेट है वो निकल भी सकती है, अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको ये परमानेंट भी निकल सकती है, स्पास और M60 की है। तो यहाँ पे अभी मैं स्पिन मारने वाला हूँ यानी 9 डायमंड का एक स्पिन है, तो आप पूरा वीडियो मतलब देखो, थोड़ा सा बचा है बस। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे मतलब जो ये होता है, मान के चलो ये तराजू है इसका बैलेंस है वो सेम रखना है। जैसे ही आप इसमें एक स्पिन मारोगे तो यहाँ पे राइट वाला पड़ रहा है वो नीचे जाएगा, और जैसे सेकंड स्पिन मारोगे तो यहाँ पे मतलब इनमें ऊपर नीचे होता रहेगा, बट आपको ये सेम करना है जब तक आपके डायमंड आपके पास है तब तक उड़ाते रहो, जब तक ये सेम नहीं होता तब तक गाइस यहाँ पे आपको ये बंडल है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने भी ट्राई किया, बस मेरे 18 डायमंड लगे, यहाँ पे देख सकते हो 9:56 पे मेरे को यहाँ पे गाइस ये बंडल है वो निकल गया, और 9:30 पे मेरे को यहाँ पे डायमंड रॉयल वाउचर था वो निकला था। अभी गाइस इसमें ये बंडल है पूरा मैंने आपको दिखा दिया है, देख सकते हो आप इसको, मतलब इसका लुक है वो बिल्कुल शानदार लग रहा है, रेड वाला भी बिल्कुल शानदार लग रहा है, सब कुछ मतलब एकदम ओपी वाला कलेक्शन है। बट इसमें ये जो येलो वाला है वो मेरे को मतलब
ज्यादा अच्छा लगा। गाइज आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सा बंडल है वो अच्छा लगा, रेड या येलो। तो गाइज कमेंट जरूर करना वीडियो में। तो यहाँ पे मैं एक स्पिन है वो 9 डायमंड की मार रहा हूँ, ठीक है, यानी कर दी मैंने 9 डायमंड की एक स्पिन। अब गाइज यहाँ पे मेरे को पहला निकला डायमंड रोल वाउचर। अब गाइज उसके बाद मैं सेकंड वाले में की, तो यहाँ पे देखो ये मेरा सेम हो गया, यानी इनका मतलब जो बैलेंस है वो सेम हो गया। तो यहाँ पे मेरे को ये वाला बंडल है वो परमानेंटली निकल गया। सिर्फ 2 स्पिन में मैंने मारी है, 2 स्पिन मेरे पास 338 डायमंड थे। तो यहाँ पे मैं बोल्ट में जाके उन ड्रेसों को पहना के लेके भी आ गया, इमोट विमोट आप देख ही रहे हो सब कुछ। तो भाई यहाँ पे मैंने जो ट्रिक बताई है उसके बारे में जरूर फॉलो करना। तो भाई कमेंट करके बता देना कि आपको येलो वाला अच्छा लगा या रेड वाला। और भाई अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे जो भी भाई नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अभी के लिए बाय बाय। और भाई कमेंट करके जरूर बताना कि येलो वाला अच्छा है या रेड वाला।